तो गाइस आईपीएल 2024 का तीसरा मैच होगा जो कि खेला जाएगा कोलकाता और हैदराबाद के बीच और इसमें से हम लोग कंपेयर करने वाले किसकी टीम जीतेगी किसकी टीम खतरनाक है और किसकी टीम थोड़ी शांत स्वभाव की है तो इसमें से हम लोग पहले बैटिंग से कंपेयर करेंगे और बॉलर से कंपेयर करेंगे और देखते हैं कि कौन सी टीम जीत सकती है और कौन सी टीम है खतरनाक दोनों को आमने सामने करेंगे कंपेयर कंपेयर करते हैं एक तरफ से दोनों टीम को कंपेरिजन करते हैं कौन जीतेगा चलो देखते हैं पहले आ जाते हैं हम लोग स्क्वाड में तो के हैदराबाद कोलकाता नाइट राइजर और सनराइज हैदराबाद है तो पहले हम लोग देखते हैं कोलकाता टीम की बैटिंग लाइनअप श्रेय सैयर सीकर भरत मनीष पांडे रहमल्ल गुरबाज रणदीप सिंह नितेश राणा ये कौन है इसके अंदर रदरफोर्ड और रिंकू सिंह है भैया रिंकू सिंह का तो जलवा आप लोगों ने देखा ही है और वनकेटेस अय्यर ये इसकी बैटिंग भी अच्छी थी और सुनील नारायण सुनील नारायण तो काफ़ी दिनों से इनका फॉर्म बेकार चल रहा है और ये अंकुल रॉय कौन है ये पता है नहीं भाई नया आया है शायद हाँ सबसे खतरनाक दानव तो ये है आंध्र रसेल इस टीम का शान और दुसंता है कोई दुसंता श्रीलंका का मिचेल स्टार्क स्टार बॉलर जो कि सबसे महंगे बॉलर इस आईपीएल का सबसे महंगा बॉलर लाइनअप के के आर के पास ही है मिचेल स्टार्क है चेतन सकरिया है और वरुण चक्रवर्ती है जो बॉलिंग में जानता हूँ उसकी बात बता रहा हूँ बस और फ्लिप साल्ट एक जिनको जानता हूँ और देखते हैं अब हैदराबाद की बैटिंग लाइनअप हैदराबाद की पूरी टीम देखते हैं पहले तो जयदेव उड है और ये पता नहीं कौन है इसका नाम देखे भाई सुब्रमण्यम पता नहीं क्या है स्कोटा इसको रखते हैं बगल में बॉलर टी नटराजन मैंक मारकंडे ये भी बॉलर ही है भुवनेश्वर कुमार ये भी बॉलर ही है ये फारूकी ने आया है ये भी बॉलर ही है अब पैट कमिंस और मिचेल स्टार का टक्कर चलेगा शायद क्योंकि दोनों एक ही टीम के हैं तो पैट कमिंग्स कैप्टन है वाशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर है और शहबाज अहमद है संजीव सिंह है ग्रैंड फ्लिप्स है नितिश रेड्डी है मार्को जॉनसन है अभिषेक शर्मा और इसमें कुछ हाँ हैं क्लासन है जो कि इधर से मैं कंपेयर करूँ तो हैंनरिक क्लासन का कंपेयर जो इधर से होगा आंध्र रसेल से कर सकते हो भाई इधर आंध्र रसेल है, इधर हैंनरिक क्लासन आ, इसका एक बैट्समैन सही है ख़तरनाक है एडम अकरम एडम अकरम का कर लो आप सरे सैर से अच्छा है, दोनों कैप्टन ही हैं अपने अपने टीम के लेकिन इसमें कैप्टन कोई और है इसका कैप्टन पैट कमिंस है लेकिन एडम मकरम का आप सिरे से कंपेयर कर सकते हो और हाँ विंडू हसरंगा है इसमें हसरंगा है हसरंगा अच्छा ऑलराउंडर जो कि अभी फॉर्म इसका सही चल रहा है तो कंपेयर टू बॉलर बॉलर लाइनअप में तो हमको ये लगा भाई बॉलर लाइनअप में जो है वरुण चक्रवर्ती और मिचेल स्टार्क और कौन सा था चैतन सकरिया तो ये तीन बॉलिंग इनके तगड़े हैं और मुजीब रहमान भी है भाई मुजीब रहमान भी है ये भी बॉलर अच्छा है तो चार बॉलर इसके पास है और इसके पास जो होगा बॉलिंग लाइनअप में सबसे ख़तरनाक आप शुरू से देखेंगे तो ऊपरी था टीन और ये मारकंडे भुवनेश्वर कुमार और फारूकी और पैट कमिंस तो बोइ लाइनअप तो मुझे इसकी अच्छी लग रही है हैदराबाद की बॉलिंग अच्छी है हमेशा से ही हैदराबाद बॉलिंग से ही खेलता है वो और बैटिंग लाइनअप मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी है कोलकाता नाइट राइडर्स की तो ये था कंपेयर और देखते हैं कौन जीतता है टीम कौन सी टीम जीतती है वो तो देखेंगे मैच के बाद ही लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि कोलकाता ही जीतेगी और आप लोगों को क्या लग रहा है आप अपना ओपिनियन दीजिए और कमेंट में बताइए कि दोनों में से किसकी टीम खतरनाक है किसकी टीम टगड़ी है कौन सी टीम जीतेगी आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं तो चलिए वेट करते हैं मैच का तब तक लिए बाय